सपर जनरल पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर अनसपकटर जनरल जेल खाना जात सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एनिवर्सिटी गैशन लाहौर और डिप्टी कमिश्नर लाहौर की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट है जो कि आपको बताई जाएगी, तो विल बी कीपिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस शॉर्ट, उसके बाद आपके सवाल जवाब होंगे। ये इस टॉपिक के ऊपर है कि खवातीन या लोगों के साथ ज्यादती हुई और ह्यूमन राइट वायलेशन की जा रही है पुलिस की जानिब से और जेल हुकाम की जानिब से। पुलिस की तरफ से मैं इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब उस्मान अनवर और जेल खाना जात की तरफ से इंस्पेक्टर जनरल जेल खाना जात और हमारी एस एफ पी इन्वेस्टिगेशन हमारी जो इसके इंचार्ज है, और यहाँ बताना जरूरी है कि इसके नीचे दो लेडी एस पी साहबान और ये तीनों डॉक्टर्स हैं और उनके नीचे तीन एस पी साहबान दो ही लेडी एस पी साहबान हैं, वो इन तमाम प्रोसेस को खवातीन के रेफरेंस में इसको सुपरवाइज करती रही हैं। उसके अलावा तमाम जो कि सोशल मीडिया पर जाली पोस्ट हैं उसका हम आपसे मैंशन भी करेंगे, उसके बारे में आपको बताएंगे। जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि पहले लीगल प्रोसेस को समझना जरूरी है। किसी शख्स को पहले गिरफ्तार किया जाता है, अदालत से उसका या रिमांड लिया जाता है या उसको आइडेंटिफिकेशन पीरियड के लिए जेल भेज दिया जाता है। रिमांड के बाद या वो शख्स डिस्चार्ज होता है या वो जेल जाता है और जेल के अंदर से वो फिर जमानत पर रिहा होता है। ये तमाम प्रोसेस जो है वो पंजाब गवर्नमेंट के अंदर है। तमाम लीगल प्रोसेस के अंदर कैमरा सिस्टम मौजूद है हमारे गोमिन पुलिस स्टेशन में और दीगर पुलिस स्टेशन के बाहर और लॉकअप के अंदर भी कैमरा मौजूद है। इस तरह जेल के अंदर भी 150 के करीब कैमरा मौजूद है। सबसे पहले मैं शुरू करूंगा उस तरीके से कि ये कितनी हजार गिरफ्तारियां हो चुकी हैं या कितने सौ औरतों को गिरफ्तार किया जा चुका है, हम आपको वो भी बताएंगे, और मुख्तलिफ जो पोस्ट है वहां से शुरू करूंगा मैं ये, क्योंकि हमारे पास कंप्यूटर के ऊपर भी हम दिखा सकते हैं और आपको देंगे। ये एक पोस्ट है जो कि औरतों पर जुल्म के सिलसिले में दी गई है और आई एम गोइंग टू एड्रेस द ओवरसीज पाकिस्तानीज एज़ वेल एंड स्पेशली द डॉक्टर्स। आई एम गोइंग टू शो दिस फोटोग्राफ्स टू यू एंड वी आर अवेलेबल टू टॉक टू यू एंड हैव अ डायलॉग विद यू एज़ वेल बिफोर यू स्टार्ट क्रिटिक अबाउट योर ओन कंट्री और योर ओन स्टेट। ये एक तस्वीर है जो आप हम स्क्रीनों में भी दिखा रहे हैं, ये आपको शायद याद आ जाए। ये एक खातून थी जो कि चेकोस्लोवाकिया से आई थी, कुछ साल पहले वो हेरोइन के मुकदमे या नशा के मुकदमे में गिरफ्तार हुई, जुडिशियल हुई, ये आप अपने पोस्ट पे देख सकते हैं। हाँ, मैं सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर से कहूंगा कि अगर आप यू हैव टू पोस्ट ट्वीट, आप जो पोस्ट करते हैं उसके बाद उसको डिलीट करते हैं तो पंजाबी में इसको थूका चाटना कहते हैं वैसे। इसके बाद ये एक और मैसेज है कि पुलिस जुल्म कर रही है, ये भी आप चेक कर लीजिए, 2021 की मैसेज है ये है। दिस अगेन, इसके बाद पुलिस मुख्तलिफ दौर में एक्शन ले चुकी है। दिस अगेन, ये आपको हम कॉपी दे देंगे, 2021 है। ये एक तमाम पुलिस को इकट्ठा करके बताया गया है कि पुलिस ने कहा है कि हम आओ इनकी औरतों के साथ ये ज्यादती करें, खुदाना खासा वो ज्यादती करें। ये नीचे तमाम पोस्ट है जो मैंने पहले दिखा चुके हैं आपको, 2021 है। एक खातून के बारे में कहा गया जिन्होंने बहुत गंदी और गलीज गालियां निकाली लेडी पुलिस हमारी, बहुत अच्छी एस पी भी वहां मौजूद थी, बहुत अच्छी एस पी भी वहां मौजूद थी, और इनको बाहर गिरफ्तार करने के लिए गया, कहा गया कि ये माजूर है, इनके ऊपर बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, इनको खींचा गया है, गादन का नाम कुलसिया था। इसके बाद वो खुद चल के गई है वहां पे और ये पोर्ट्रे किया गया जैसे कि हमने किसी खातून को जो कि माजूर थी खींचा गया है, और उससे पहले जो खवातीन के साथ वो ज्यादती कर चुकी हैं और जो उन्होंने बदमजगी की वहां पे और उन मर्दों ने हमारी लेडी पुलिस ऑफिसर से बदमजगी की, वो भी हमारे पास रिकॉर्ड है और वो उन लोगों ने खुद टिकटॉक पे चलाया हमारी लेडी ऑफिसर से ज्यादती की। उसके बाद ये एक और है कि खातून के साथ ज्यादती की जा रही है, ये भी कुछ साल पुरानी है और उस वक्त के आईजी ने उस पर एक्शन लेके उस बंदे को जेल में भिजवा दिया। ये हमारी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर भी चल रही है और इस तरह की बेतहाशा झूठी पुरानी ट्वीट। और इसके अलावा एक और था जिसमें कोई एसएसजी के कमांडर साहब उनको एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो कहा गया कि एलीट सेंटर में इनको मारा जा रहा है या इनको सीडीडी सेंटर में मारा जा रहा है। खुदारा, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी शहरी और पाकिस्तान से बाहर, खुदारा अपनी रियासत और अपने दारों पर इतमाद कीजिए, यकीन कीजिए कि हम इसी मुल्क के शहरी हैं, यहाँ पे लेडी पुलिस ऑफिसर्स के अलावा किसी ने किसी को इंटेरोगेट नहीं किया। अब आइए देखते हैं कि ये गिरफ्तारियां क्यों मन में लाई गई। बहुत सारे लोगों ने मौके पे गिरफ्तारी हुई, बहुत सारों की सेफ सिटी से कैमरा जो एडमिसिबल एविडेंस है जिसको काबिले अदखाल शहादत कहा जाता है उसके जरिए नादरा के रिकॉर्ड से उनको शनाख्त किया गया। तीसरे नंबर पर लोगों ने बड़े फखर के साथ आर्मी के इंस्टॉलेशन पे हमले करके खुद अपने फेसबुक पे, अपने ट्विटर्स पे और अपने दीगर इंस्टाग्राम पे तस्वीर लगाई, उनको भी शनाख्त कराया गया नादरा के रिकॉर्ड के जरिए। हमने जिसकी वजह से साफियों के साथ हमारे थोड़े से इश्यूज बने कि उनके भी कहीं नाम आ रहे थे जो कि हमारी हम उसको देखते हैं जो हमारे मोबाइल फोन की होती है जियो फेंसिंग, उसके ऊपर जिनके नंबर आए और उसके बाद उनको हमने वेरीफाई किया
और उनकी वहां से जरिए हमें पता चला, जो बंदे गिरफ्तार हुए उनकी इंटरोगेशन रिपोर्ट के जरिए हमें पता चला, और सबसे ज्यादा बढ़कर व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर, इनके अपने व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप थे जिसके ऊपर इन्होंने बताया कि ये करो ये करो ये करो। जब वो शख्स गिरफ्तार हुए, कुछ लोगों ने तो अपने फोन तोड़ दिए, लेकिन जो हमारे पास फोन अवेलेबल है जो कि बीसियों की तादाद में है, उन व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर हम सबको बताया वो कैसे काम करते हैं, उन तमाम लोगों के नंबर है, उन तमाम लोगों को जो इंस्ट्रक्शन दी गई है वो है। उस साजिश के पीछे कौन है ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया, अगर आप सवाल पूछना चाहें तो मैं इसका पहले आपको जवाब दे दूं, इसकी पूरी एक 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 शक्ति चेन मैं खुद आके आपके सामने मीडिया पर रखूंगा, एक एक सवाल का जवाब दूंगा। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का फोकस ह्यूमन राइट वायलेशन है और खवातीन के साथ जो हमें एलर्ज किया जा रहा है वो ज्यादा है। अब मैं दरख्वास्त करूंगा एसएसपी साहबा से कि वो बताएं कि टोटल कितनी खवातीन गिरफ्तार हो चुकी हैं, और वो आपको जो फिगर बताएंगे वही जेल वालों के फिगर होंगे, उनका एक एक का नाम, उनका ज्यूडिशियल स्टेटस या उनके पास जो उनके लीगल राइट्स अवेलेबल है वो है। आज एक इंतहाई अनफॉर्चुनेट जिसने पोस्ट किया है कि खवातीन जो जेलों से निकल रही है उनको उनके साथ के जिस्म पे खुदा था वो कट्स के निशानात थे या काटने के निशानात थे। दलित और लोगों के ऊपर जो झूठ बोलते हैं और उनके ऊपर उनको शर्म करनी चाहिए अपने मुल्क के दारों के बारे में झूठ बोलें। जेल के अंदर लेडी गायनेकोलॉजिस्ट मौजूद है, लेडी साइकोलॉजिस्ट मौजूद है, लेडी डॉक्टर मौजूद है, 150 कैमरे लगे हुए हैं, औरतों के पोर्शन अलग है। हमारी एसएसपी और डीसी साहबान लेडीज हैं, उनसे मिल के आई हैं उन खवातीन से। हाँ, अगर वहां पे उनको एयर कंडीशन एनवायरमेंट नहीं दी जा सकती तो ये अलहदा बात है। जहां तक ताल्लुक इस बात का है, जहां तक ताल्लुक इस बात का है कि किसी एक औरत के साथ, किसी एक खातून के साथ अगर यहाँ पे ज्यादा की गई होगी तो हम उसके जवाब दे होंगे। झूठ का सहारा आप कब तक लेंगे, अपनी ट्वीट्स आप कब तक डिलीट करते रहेंगे, पंजाबी में जब दोबारा कहता हूं अपना थूका आप कब तक काटते रहेंगे, फुट इन माउथ सिचुएशन आप कब तक करते रहेंगे। आई एम गोइंग टू एड्रेस द फॉरेनर्स एज़ वेल, ऑल दोस पीपल हु आर लिविंग इन पाकिस्तान एंड हु अंडरस्टैंड इंग्लिश, आई एम गोइंग टू एड्रेस देम एज़ वेल। द स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल, द कंट्री नोज व्हाट टू डू, we are going to protect our institutions and installations, but we are not going to let go of the human rights, and we are going to follow whatever is written in the UN Declaration of Human Rights as well. Now I'm going to talk to the Pakistanis who are abroad, especially the doctors. Kindly have a dialogue with us. We are ready to answer all your questions, starting from the Zilla Shah case to the 9th of 9 events. And if you think that it was police or some other department or some other agency which attacked its own installations, then kindly sir, you need to recheck your views and you need to recheck your facts. And we are ready to answer those. Now I give the mic to Lady SSP, and after that, हमारे जेल खाना जात के आईजी साहब आपको बताएंगे। उसके बाद जो सवाल आपने इस टॉपिक के मुताबिक पूछना है या 9 मई के अंदर उस वक्त पुलिस कहां थी पूछना है, हम उसका जवाब आपको देंगे। Over to Dr. Anushi. पूरे पंजाब में 13 जो है वो लाहौर में मौजूद है, खवातीन जो अरेस्ट हुई है और 2 जो है वो पिंडी में है। हमारे पास पूरी लिस्ट मौजूद है, मैं आपको नाम भी शेयर कर देती हूँ। तैयबा है, सनम है, मरियम, आलिया, सबूरी, खदीजा, उमा, फिलत, इरम, मुमताज, आयशा, महम और डॉक्टर यास्मीन राशिद जुडिशियल है। जो जुडिशियल हो चुकी है, डॉक्टर यास्मीन राशिद से मुलाकात करवाई जा रही है, उनको हफ्ते में एक दफ़ा मिलने की इजाज़त है। लेकिन जिन लोगों की आईटी परेड पे बंद किया गया है, जिनको उनको लॉ परमिट नहीं करता कि उनसे कोई भी आकर मुलाकात करे, तो इसलिए उनकी मुलाकात नहीं कराई जा रही, बिकॉज दिस वॉज द फ्रीक्वेंट आंसर, फ्रीक्वेंट क्वेश्चन विच वॉज बीइंग आस्क्ड, तो इसलिए कानून इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है। जहाँ तक उनकी ये बात थी कि उनको डिस्ट्रीट किया जा रहा है, आई हैव बीन देयर, मैं उनको कल जाके मिली हूँ, जेल के अंदर जाके मिली हूँ, और एक की प्रेमिसेस बिल्कुल सिक्योर है, डबल गेटेड है, वो एक गेट से जब एंटर होते हैं, पिछला बंद होता है तो अगला गेट खुलता है, उसके बाद फीमेल की एंट्री होती है। मेल्स कैन नॉट एंटर दैट प्रेमिसेस, एक आदमी वहाँ पे जा ही नहीं सकता है। तो इस किस्म के जो भी एक बेहूदा किस्म के इल्जाम लगाए जा रहे हैं और ट्वीट्स की जा रही हैं, दिस इज टोटली अनकॉल्ड फॉर। और उसके बाद मेरे जिसके बारे में ज़्यादा, खदीजा शाह के बारे में पीपल वर वेरी कंसर्न, मैंने उससे मिला है, उसको कोई दमे की प्रॉब्लम है वो कह रही थी, और उसको सिर्फ सांस का इशू हो रहा था, वो मेडिसिन उसको दे दी गई है, शी इज़ जस्ट एलर्जिक। और एक खातून जो इफ्फत नाम की है, उसको स्किन का इशू था, स्किन ऑइंटमेंट दे दी गई है। वहाँ पे लेडी डॉक्टर्स मौजूद हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स मौजूद हैं, गायनेकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, लेडी हेल्थ वर्कर्स मौजूद हैं, इसके अलावा साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं। तो इस तरह की कोई जो मिस ट्रीटमेंट इसकी, अगर आप इसके अलावा ये कपड़ों की बात की, उनको कपड़े घर से मंगवा के दिए गए हैं और उसकी लिस्ट मौजूद है वहाँ पे इनके सिग्नेचर्स के साथ, और जो मेडिसिन दी गई है वो भी उनके सिग्नेचर्स के साथ मौजूद है वहाँ पर। इस किस्म की बात की कि मिस ट्रीट किया जा रहा है या उनको मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दी जा रही है, या ये कि उनको कोई किसी भी चीज़ से डिनाई किया जा रहा है, दिस इज टोटली रॉन्ग। बट एज वर्दी आई जी पी सेड, यस वी कैन नॉट गिव देम एयर कंडीशन एनवायरमेंट और उस तरह की उनको फैसिलिटी जो
नहीं होती वो तो ऑब्वियसली नहीं मिल सकती है। लेकिन आई वुड लाइक टू मेंशन वहाँ पे उनके अलावा 140 खवातीन मौजूद थी और वो भी उतनी ही सबके साथ वही ट्रीटमेंट हो रही है और हम किसी को भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। लॉ इज इक्वल फॉर एवरीवन एंड यस दे ब्रोक द लॉ एंड दे हैव टू सी द कॉन्सिक्वेंसेस और जो लॉ का कोर्स है इट विल टेक इट्स ओन कोर्स। सो इसमें अगर ये कहा जाए कि बिकॉज दिस ट्रीटमेंट नहीं और मेडिकल प्रॉब्लम के लिए अगर कोई इमरजेंसी खुदा खासा किसी को होती है द जेल्स आर वेल इक्विप्ड विद एम्बुलेंसेस और वहाँ पे उनको फौरी टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाएगा अगर कोई ऐसी कोई अनकंट्रोल्ड सिचुएशन आती है। मैंने कैटेगोरिकली एक एक खातून से पूछा है किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो वो 10 खवातीन नहीं वो 150 खवातीन हमारे लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 10 खवातीन के बारे में सवाल करना मुनासिब नहीं है। अगर आप एक पाकिस्तानी होने के नाते सारे पाकिस्तानी खवातीन के मुतालिक अगर आपको कंसर्न है तो उन 140 के बारे में पूछें और मैं वो 140 के अलावा 150 जो पूरी बनती है उन सबको मिली हूँ उन सबसे पूछा है। वहाँ पर ये फैसिलिटी भी है कि टॉडलर जो छोटे बच्चे होते हैं एक जो वहाँ पे कैदी थी उसके साथ वो भी मौजूद थे। सो 150 खवातीन के लिए जो एक इंसानी बुनियादी हकूक के तहत जो फैसिलिटी होनी चाहिए वो उन सबको प्रोवाइड की जा रही है। थैंक यू जी बहुत शुक्रिया। इसके अलावा जो खवातीन वहाँ पे जेल पे जाके बेल हो चुकी है वो अपने घरों को पहुंच चुकी है उनसे जो चाहे जहाँ चाहे जाके इंटरव्यू कर सकता है। आईजी जेल खाना जहाँ भी मौजूद है मैं खास आपके सवालों की तरफ आते हैं तो दैट वी कैन जस्ट आंसर द क्वेश्चन इफ यू वांट टू आस्क। टीम के साथ राय एहसान खरल लाहौर।